शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आपको तो मालूम ही है, जब जब खून होता है हम लोग इन्वेस्टिगेशन करते हैं, लाश को देखते हैं। लाश को देख के हमें काफ़ी कुछ अंदाज़ा हो जाता है कि खून ही कैसे हो सकता है, खून कैसे हुआ होगा। मगर इस केस में तो सब कुछ अजीब ही था। खून हुआ था मगर लाश नहीं थी। अब अगर लाश ही नहीं है तो कैसे बोल सकते हैं कि खून हुआ है? लाश तो दिखनी चाहिए ना। कमरे में चारों तरफ खून बिखरा हुआ था, इसका मतलब है कुछ हुआ था कमरे में। यही नहीं, हमें एक बड़ा सा बैग भी मिला, उसके ऊपर दो तरह का खून लगा हुआ था। अब ये दूसरा खून कहां से आ गया? हम ये सोच ही रहे थे कि एक और बम फटा। मरने वाली के बहन का डीएनए टेस्ट किया तो पता चला कि वो बहन अब क्या बताऊं, आप खुद ही देख लीजिए। एक तो तुम पहले से दो घंटे लेट आई हो रिहर्सल पे, ऊपर से तुमने डांस के सारे स्टेप चेंज कर दिए, फिर भी मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन अब तो तुमने हद कर दी है। एक मिनट सैगी, मुझे तुम्हारी बकवास सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तुम अपनी दीदी, तुम चुप रहो मनु, मुझे बात करने दो। हाँ, क्या बोल रहे थे तुम? सानिया, मेरे कहने का मतलब क्या बोल रहे थे तुम? सानिया, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? जिंदा हूँ। थैंक यू मनु, मेरी बहन मेरे लिए बहुत लकी, और जब तक ये मेरे साथ है मुझे कुछ नहीं हो सकता। सानिया, आई ओके? समर, अक्षत, अब तक तो मैंने तुम दोनों पर सिर्फ एक ही केस किया है, कॉन्ट्रैक्ट में धोखा देने का, और अब मैं तुम दोनों पर दूसरा केस करने वाली हूँ, मुझे जान से मारने की कोशिश करने का। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं होगा सानिया, ये क्या बात कर रही हो तुम? और रही कॉन्ट्रैक्ट की बात, तो हम लोग आपस में बैठ के बात भी कर सकते हैं। हाँ, तुम हमारे म्यूजिक कंपनी की स्टार हो, अगर तुम हमारे लिए नहीं गाओगे हम तो बर्बाद हो जाएंगे। सानिया, ठंडे दिमाग से सोचो, भला हम अपने पेट पर लात क्यों मारेंगे? रिलैक्स गाइस। सानिया मैम, प्लीज आप शांत हो जाइए और मेरी बात ध्यान से सुनिए। मुझे कुछ नहीं सुनना, चलो मनु। सानिया मैम, रुकिए, मेरी बात सुनिए। I'm sorry सर। जरा समझाओ इसे पूर्वा, किस अकड़ में घूमती रहती है, एक दिन बहुत पछताएगी। अच्छी खासी सिंगर है, जरा तमीज से बात करना सीख ले तो अच्छा है। हाँ मनु, कहाँ है तू? अच्छा, होटल कब पहुंच रही है? क्या तेरी गाड़ी खराब हो गई और तू रोड पर अकेली खड़ी है, वो भी इतनी रात में? अच्छा बता, कहाँ है तू? बोल ना, कहाँ पर है तू? ओके, बोट हाउस, एलिसन रोड। चल ठीक है, मैं पहुंचती हूँ। उदय कहाँ है? क्या वो तेरे साथ नहीं है? पता नहीं तूने उस उदय में ऐसा क्या देख लिया जो तू उसके प्यार में पड़ गई। ठीक है, मुझे तुझसे उसके बारे में कोई बहस नहीं करनी है। ओके, हाँ ठीक है, मैं वहां आती हूँ। मोनू को उदय से दूरी रखना पड़ेगा, अब मुझे ही कुछ करना है। तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आने की? क्या तुम्हें मालूम नहीं है कि कोई मेरे घर पे बिना बताए आए तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है? दीदी ने कहा था वो आधे घंटे में आ जाएगी, एक घंटा हो गया और वो अब तक नहीं आई।
मोनिका। उदय। हाय, कम इन। उदय, थैंक गॉड तुम आ गए। मैं कब से दीदी का इंतजार कर रही हूँ। उन्होंने कहा था कि वो आधे घंटे में आ जाएगी और अब एक घंटा हो गया, पता नहीं कहाँ रह गई। मोनिका, तुम सानिया की टेंशन क्यों ले रही हो? अरे वो आ जाएंगी पार्टी में। चलो मैं तुम्हें पार्टी में लेके चलता हूँ, चलो। तो ठीक है, मैं दीदी को फोन कर देती हूँ और कह देती हूँ कि मैं तुम्हारे साथ पार्टी में आ रही हूँ। हाँ, मोनिका, क्या हुआ? उदय, दीदी फोन नहीं उठा रही। मोनिका, तुम परेशान मत हो यार। अरे हो सकता है वो कहीं बिजी रह गई हूँ, तुम्हारी मिस कॉल देके तुम्हें फोन कर लेंगी। नहीं उदय, दीदी ने आज तक ऐसा कभी नहीं किया। मैं उनके ड्राइवर को फोन करती हूँ, रमेश को। ओके, हेलो। हेलो रमेश, मैं मोनिका बोल रही हूँ। सानी दीदी कहाँ है? मुझे उनसे बात करनी है, वो मेरा फोन नहीं उठा रही। मैडम, मैं तो उनके घर के बाहर ही बैठा हूँ, कब से उनका इंतजार कर रहा हूँ, अभी तक मैडम बाहर नहीं आई। बाहर नहीं आई मतलब? तुम बाहर क्या कर रहे हो? मुझे दीदी से बात करनी है अभी इसी वक्त। मैं फोन होल्ड पर रखती हूँ। मैडम, मैडम, सानिया मैडम, मैडम आपका फोन है। मैडम आप कहाँ हो? मैडम, हेलो, हेलो रमेश, रमेश, हेलो रमेश, हेलो रमेश, दीदी कहाँ है? क्या हुआ मोनिका? दीदी को क्या हुआ रमेश? हेलो, हेलो, अभिजीत सर, इस जगह की हालत देखकर लगता है कि सानिया ने अपने आप को बचाने की बहुत कोशिश की होगी। लेकिन सर, वो लाश यहाँ से गायब क्यों है? सर मारा तो मारा, लाश भी उठा के ले गए। वही तो, वैसे भी खून करना कोई आसान काम नहीं है, ऊपर से लाश को उठा कर ले जाना। नहीं सर, दीदी को कुछ नहीं हुआ, वो बिल्कुल ठीक है, दीदी मर नहीं सकती सर। सर प्लीज, प्लीज उसे ढूंढ कर लाइए सर, प्लीज। मोनिका प्लीज शांत हो जाओ, CID को अपना काम करने दो। तुम घर के बाहर ही थे ना? सर मैं कार में था। कार में थे, लेकिन थे तो घर के सामने ही ना, तो तुमने किसी को लाश ले जाते हुए नहीं देखा? नहीं सर। अच्छा, यहाँ बंगलों से बाहर जाने का कोई और रास्ता है? हाँ सर, पीछे के साइड एक गेट है। इधर? जी। वैसे आप लोगों को किसी पर शक है? समर और अक्षत, उन्होंने ये सब कुछ किया। समर और अक्षत? सर, ये रेजमेंटास म्यूजिक कंपनी के मालिक हैं। रेजमेंटास म्यूजिक कंपनी से सानिया मैम का झगड़ा है, उन्होंने केस भी किया है। इन दोनों ने सानिया मैम को धोखा दिया था। ओह, आई सी। सर, पीछे की तरफ तो काफी सुनसान है, अगर कोई लाश लेके गया हो तो पता भी नहीं चलेगा किसी को। तो इसका मतलब है जिसने भी ये किया है वो सानिया के घर के बारे में अच्छी तरह से जानता है। सानिया के पास मोबाइल होगा ना? सानिया का मोबाइल और सिल्वर पर्स दोनों गायब है। सिल्वर पर्स? सर, वो पर्स दीदी के लिए बहुत स्पेशल था, वो उसे हमेशा अपने साथ कैरी करती थी। उसमें कुछ कुछ स्पेशल था, कुछ खास। खास चीज? तो खूनी वो पर्स लेके चला गया। अभिजीत, अगर हमें सानिया को ढूंढना है तो पहले उसका मोबाइल ढूंढना होगा। जी हाँ, ये हम लोग जबलपुर पहुंच गए हैं। या एग्जैक्टली जो जगह बताई थी वहीं पे। यस सर, मोबाइल फोन 20 मीटर की रेडियस में है सर। ओके ओके, यहीं पे है। थैंक्स थैंक्स। अगर इधर ही है तो फिर से फोन लगा के देखते हैं, क्या पता बेल बज जाए। रिंग जा रही है। ये की तो सानी दीदी की फोन की रिंग है। तो नहीं, कहीं आसपास होना चाहिए। सर, ये बैग तो क्या सर? किसी बैग में से मोबाइल की आवाज आ रही है सर। ये तो काफी खून है ना।
परफ्यूम की स्मेल आ रही है। परफ्यूम? इसका मतलब दीदी को कुछ नहीं हुआ? दीदी को परफ्यूम से एलर्जी है। सानिया कभी परफ्यूम नहीं लगाती थी। मगर ये मोबाइल तो सानिया का ही है ना? सानिया, लेके जाओ इनको। आप लोग प्लीज गाड़ी में बैठिए। अभिजीत, ये देखो मिट्टी पे निशान है। ऐसा लगता है बॉडी को यहाँ से घसीट के ले जाया गया है। तो निशान तो यहाँ खत्म हो रहा है, बॉडी कहाँ ले गए होंगे? यहीं पे कुछ कवर है। बॉडी ले गए और बैग छोड़ गए। रेडी काम कर, तो बैग फॉरेंसिक लैब लेके। अभिजीत, सानिया के घर से कुछ ऐसी चीजें ढूंढनी होगी जिससे उसका डीएनए सैंपल मिल सके, जैसे उसके बाल। ओए सालुंके, कर क्या रहे हैं अंदर? अरे बॉस मजा आ रहा है अंदर, मौसम बहुत सुहाना है। मौसम सुहाना है तो फिर अंदर ही रहो। अरे अरे क्या कर रहे हो यार, खोलो। अरे क्या कर रहे हो? अरे हाँ क्या कर रहे हो यार? ये मौसम सुहाना है तो मैंने सोचा। हाँ मौसम सुहाना है, तुम्हें देखना अंदर जाके। तुमने देख लिया ना बस? हाँ देख लिया। वैसे एक बात है एसीपी साहब, लगता है कि लाश इसी में थी। चलिए आपके अंदर जाने का कुछ तो फायदा हुआ। कुछ फायदा तो हुआ अभिजीत, लेकिन ज्यादा फायदा तब होगा जब डॉक्टर तारिका हमें ठीक ठीक बता देंगे। यस सर, सानिया के कुछ बाल मिले इसमें से और इनका हमने डीएनए टेस्ट निकाला। और ये जो बैग में खून मिला है उसे मिला के देखा क्या? जी, खून और बाल दोनों ही सानिया के। इसका मतलब सानिया का खून हुआ। और वो खून जो सानिया के घर से मिला है वो भी इससे मिलता है। बात खत्म। मतलब ये बॉस, सानिया का खून घर में ही हुआ है, बाद में उसकी लाश को इस बैग में डालकर ले जाया गया। तो फिर लाश गई कहाँ? ठीक है लाश हम ढूंढ लेंगे। फिर से ऐसे सवाल मुझसे मत करना। लाश गई कहाँ? तुम्हें सीआईडी में क्या मक्खी मारने के लिए रखा हुआ है? हटो अब यहाँ। सॉरी सर। सर लाश गई कहाँ? मुझे भी नहीं मालूम। क्या नहीं मालूम? सर ये भी हो सकता है कि कोई और सानिया की लाश को वहां से उठा ले गया हो। ये भी हो सकता है। सर ये भी हो सकता है कि सानिया मरी नहीं। फ्रेडी तुम हमेशा कुछ ना कुछ टेढ़ा मेढ़ा ही बोलते हो। यही तो बैड लक है फ्रेडी का। फ्रेडी जब भी मुंह खोलता है लोग हंसने लगते। ये बताओ ये सारा खून सानिया का है? अरे फ्रेडी तुम्हें कैसे पता? कुछ गड़बड़ है क्या? हाँ देखा बस, फ्रेडी गधा नहीं है। तो फिर सालुंके ये है क्या? ऐसे भी साहब, ये जो खून आप देख रहे हैं ना ये चेन पर, ये खून सानिया का नहीं है। ये खून सानिया का नहीं है? तो इसका मतलब है जरूर ये खून उस खूनी का ही है। यस सर, क्राइम सीन देख के साफ पता चलता है कि सानिया ने अपने आप को बचाने की कोशिश की थी। शायद उससे खूनी से हाथापाई हुई होगी, उसमें खूनी घायल हो गया। तो हमें इस घायल खूनी को ढूंढना होगा। के फिर अंदर गया तू? बारह? अरे बॉस अंदर कुछ है। क्या है? परफ्यूम, परफ्यूम। परफ्यूम? डॉक्टर साहब तो गए। कौन बोला? कौन बोला? मैंने बोला। अंदर क्या मिला? आई एम सॉरी एसीपी साहब, मैं आपको पहले बताना भूल गया था, इस बैग में से एक परफ्यूम की जबरदस्त स्मेल आ रही है। परफ्यूम? सर खूनी का ही होगा, क्योंकि सानिया को तो परफ्यूम से एलर्जी थी। सर इसका केमिकल एनालिसिस करके देखते पता चल जाएगा ये परफ्यूम कौन सा है। एक बात और है सर, जिसने भी सानिया का खून किया है वो सानिया के घर के बारे में सब कुछ जानता था, इसलिए उसने उसी वक्त हमला किया जब घर में सानिया के अलावा कोई और नहीं था। सर सानिया के घर वालों का डीएनए सैंपल्स लेना चाहिए और उनके डीएनए को इस जिप पर मिले खून के डीएनए से मैच करके देखते पता चल जाएगा ये खून किसका है। रेडी, जरा घर की अच्छी तरह से तलाशी लो, कोई ना कोई सुराग जरूर मिलेगा। यस सर। साहब सानिया मैडम के खूनी के बारे में कुछ पता चला? नहीं अभी तक तो नहीं, मगर ये लोग कौन है? कल तो दिखाई नहीं पड़े थे। साहब मैं मोहन, सानिया मैडम का कुक हूं। साहब मैं माधव, सानिया मैडम के बंगले का ध्यान रखता हूं साहब, मगर मैडम के बिना अभी बंगला काटने को तोड़ता। ओहो, हर फोटो में एक ही पर्स, लगता है ये मैडम इस पर्स से कुछ ज्यादा ही प्यार करती थी। मेरा नाम नरेश है, मैं इस बंगले का वाचमैन हूँ साहब। तो आप लोग थे कहाँ?
कल जब ये सब हुआ साहब, हम सब लोग शाम को 6 बजे के बाद चले जाते हैं। सब लोग? हाँ सर। सर। हाँ बेटी। ये कुछ फोटो मिले सर, हर फोटो में एक ही पर्स। अच्छा। बड़ी, इस फोटो में जो ग्लास है इस पे किसी की परछाई नजर आ रही है ना? हाँ दिख तो रही है सर। कौन है? अच्छा, यहाँ कुछ दिन पहले कोई आया था क्या, कोई आदमी या औरत? हाँ साहब, एक औरत आई थी। कौन थी? मालूम नहीं साहब, पर जोर जोर से झगड़े की आवाज आ रही थी। कौन हो सकती है? एक काम करो फ्रेडी, इन सब के ब्लड सैंपल लो डीएनए टेस्ट करने के लिए, और सानिया के घर वालों के और उसके जान पहचान के जितने भी लोग हैं सबके सैंपल लो। अरे पुनीत, हम तुम्हारी जिंदगी बदल देंगे, स्टार बना देंगे। सानिया के बाद अगले स्टार तुम ही हो। अरे नहीं नहीं सर, मैं सानिया मैडम की बराबरी नहीं कर सकता, मैं उन्हें बहुत मानता हूँ। तो फिर वही करो जो सानिया ने किया है, ये कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स है, साइन करो। हाँ सर, क्यों नहीं। गुड। एक मिनट तुम दिखने में तो पढ़े लिखे लगते हो। हाँ सर, मैं पढ़ा लिखा हूँ, लेकिन आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? एक्सक्यूज मी, आप लोग कौन है और ये सब क्या हो रहा है? अगर तुम पढ़े लिखे हो तो तुम्हें मालूम होना चाहिए कि कोई भी डॉक्यूमेंट साइन करने से पहले उसे अच्छी तरह से पढ़ लेना चाहिए। समझ? पहले ये बताइए, इस तरह हमारे काम में टांग अड़ाने का मतलब क्या है? मतलब है, हम लोग सानिया के खून के बारे में पूछताछ करने आए हैं। जानते हो ना आप सानिया को, आपकी सिंगर जिसे आप धमकियां देते थे? हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी? पुनीत तुम जाओ, मैं तुम्हें बुलाता हूँ, जाओ। सर सर, उसके खून से हमारा क्या मतलब? वो तो हमारी कंपनी की सबसे अच्छी सिंगर थी, उसकी वजह से हम करोड़ों रुपए कमा रहे थे। तो फिर आप दोनों उसे धमकियां क्यों दे रहे थे? हाँ क्यों? सर हम गांव से धमकी देते थे, हम तो खुद डरे हुए थे। उसने पर केस किया हुआ? हाँ सर। गलत कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया था ना उससे? काम करते हैं। जी साहब। तुम लोगों को किसी पे शक है? सानिया मैम की तो किसी से नहीं बनती थी, वो बहुत गुस्से वाली थी। तो क्या सर, हर दिन उसका हर किसी से झगड़ा होता था, उसका खून तो कोई भी कर सकता है। मैं सीआईडी से हूँ। आपका नाम? निहाल। आपको कोई अंदाजा है कि कौन मार सकता है सानिया को? मैं कैसे बता सकता हूँ, वैसे मेरी सानिया के साथ एक छोटी सी हयालू थी, वो भी एक फोनल बैम। दैट्स इट। ठीक है, थैंक यू, इट्स ओके। साहब सानिया मैडम बहुत अच्छी थी, पिछले हफ्ते की बात है, जब वो अपनी रिकॉर्डिंग खत्म करके स्टूडियो से बाहर गई थी तो अपना पर्स यहाँ भूल गई थी, और जब मैं उनका पर्स लौटाने गया तो उन्होंने मुझे 8,000 रुपये बख्शिश दी थी और थैंक यू कहा था। एक छोटे से पर्स के लिए 8,000 रुपये? एक पर्स वापस लौटाने के लिए 8,000 रुपये? सर आजकल तो और भी महंगे महंगे पर्स मिलते हैं। अरे कितने महंगे हो सकते हैं दया? सर यही कोई 20-25 हज़ार से लेके 1-1.5 लाख रुपए थे। क्या कह रहे हो तुम? जी सर। मगर वो तो एक छोटा सा पर्स था, एक क्लच बैग कैसे? हाँ सर, सर ये भी हो सकता है कि पर्स तो सस्ता था पर उसके अंदर जरूर कोई कीमती चीज होगी जो अगर खो जाती तो सानिया बर्बाद हो जाती। हो सकता है उसमें कोई कीमती सामान हो, डायमंड्स वगैरह जैसे। हाँ सर, सर सानिया का पर्स स्टूडियो में खोया था, वही स्टूडियो जिसके मालिक वो दोनों हैं जिनका सानिया से झगड़ा था, और सानिया ने उन पर केस भी किया था ना? हाँ सर, उन लोगों ने सानिया के पैसे नहीं दिए थे। क्या क्या नाम क्या था उनका? अक्षता समर। मोनिका, तुम्हारा उन दोनों पर शक है? हाँ सर, उन दोनों ने ही मेरी बहन को मारा है। मुझे तो अभी तक यकीन नहीं हो रहा कि सानिया इस दुनिया में नहीं रही। भले ही मैं उनकी आंटी हूं, लेकिन इन दोनों को हमेशा अपनी छोटी बहनों की तरह समझा है। सानिया के बहुत दुश्मन थे क्योंकि उसकी किसी से नहीं बनती थी, लेकिन उसने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया उसने।
सब सानिया तो मुझसे ही बहुत नफरत करती थी। उसे हमेशा ही लगता था कि मैं उसकी बहन मोनिका के लिए अच्छा लड़का नहीं, लेकिन मैं फिर भी उसकी बहुत इज्जत करता था। हमने तो तुमसे अभी तक कुछ पूछा भी नहीं, फिर भी तुम अपनी सफाई दिए जा रहे हो। मैं तो सिर्फ सच बताने की कोशिश कर रहा हूँ। सर, सानिया का जहाँ पे खून हुआ था वहाँ से उसका पर्स भी गायब था। सर, वो पर्स सानिया दीदी के लिए बहुत स्पेशल था। ऐसा था क्या उस पर्स में? मालूम नहीं। सब, प्लीज। चल। एक मिनट। हमें आप लोगों के ब्लड सैंपल चाहिए डीएनए टेस्ट करवाने के लिए। हमें एक बैग मिला है जिस पे खून लगा हुआ है। आप कहना क्या चाहते हैं? वो खून हमारा है? मैंने ऐसा कुछ कहा क्या? हमें सिर्फ ये पता करना है कि इस बैग पे लगा हुआ खून किसका है। और प्रतिमा जी, आपका ब्लड सैंपल चाहिए। मेरा? लेकिन मेरा क्यों? दे देना है मतलब दे देना है, वो बाद में देखेंगे कि खून आपका है या नहीं। चलिए। एक फोटो मिली है सानिया के घर से। ये सानिया यहाँ पीछे क्लास में देखिए सर, एक आदमी दिख रहा है। यार सालुंके, तुमने जो जो मांगा हमने दिया। 15 लोगों के ब्लड सैंपल्स और सलाइवा के सैंपल चाहिए थे, हमने दिए। अब चुपके से मेरे कान में बता कि जिस बैग में वो लाश मिली थी उस बैग के ऊपर चैन पर किसका खून है, यही जानना चाहते हो ना तुम? और नहीं तो क्या, तुम्हारा जन्मदिन जानना चाहता हूँ। ऐसे भी साहब, जिस दिन आप मेरे जन्मदिन पर मुझे कोई गिफ्ट देंगे, आई स्वेयर मैं फ्रेडी की टांग के नीचे से निकल जाऊंगा। सर, मेरे पैरों के बीच में जगह कहाँ है? अरे यार, मैं गिर जाऊंगा सर। अरे यार फ्रेडी, अच्छे वाले जोक का मर्डर कर देते हो तुम यार। अरे हाँ हाँ करके हंसने वाली बात है ये। अच्छा साहब, आज सिर्फ रोने का दिन है, हंसने का कोई चांस नहीं। ये लो, रुलाने वाला एक काफी नहीं था तो तुम भी आ गई। अरे यार, ये लैब है या शमशान घाट? सर, किसी का भी डीएनए मैच नहीं कर रहा है। क्या? इतने लोगों में से 15 लोगों में से किसी का भी खून मैच नहीं हुआ? हाँ सर, वो खून 15 में से किसी का नहीं है। बस मुझे लगता है ये खून किसी ने पैसे लेकर के किया है, किसी अनजान आदमी ने, पैसे की खातिर। और वैसे भी वहाँ कोई लूटपाट भी नहीं हुई है, तो हो सकता है खूनी कोई आसपास का ही आदमी है। सर आसपास तो वही है, वो सानिया की बहन मोनिका। मोनिका सानिया की बहन नहीं है। मोनिका और सानिया का डीएनए अलग अलग। मोनिका सानिया की बहन नहीं है? ये बात उसने हमसे छुपाई क्यों? कुछ तो गड़बड़ है अभिजीत, कुछ तो गड़बड़ है। बड़े जोर जोर से रोने की एक्टिंग कर रही थी जैसे कि सानिया उसकी सगी बहन है। नहीं 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 नहीं, ये कुछ तो और चक्कर है। सब, वो जो परफ्यूम की खुशबू जो डॉक्टर सालुंके को उस बैग में से मिली थी उसकी रिपोर्ट आ गई। क्या रिपोर्ट? सर, उस परफ्यूम में जैस्मिन, सिनेमन यानी दालचीनी और कॉफी मिली हुई है। कॉफी? परफ्यूम में कॉफी भी मिलाई हुई होती है? तरीका बाजार में ऐसा कोई परफ्यूम है जिसमें कॉफी मिलाई होती है? हाँ सर, इसमें कुछ नाम है 2-3। मिस्टीरियस, एंचेंट और वियो। Mysterious Enchanted View. अभिजीत, इसी को पकड़ो, इस मोनिका को। पता करो वो इन तीनों में से कौन सा परफ्यूम लगाती है। कितनी कितनी बेरहमी से मारा है किसी ने मेरी दीदी को। कौन हो सकता है वो? रिद्धिमा आंटी? नहीं, उदय, इसका इसका मतलब कि वो लोग मुझे नहीं मार देंगे। क्या हुआ तुम्हें? अरे मैं हूँ उदय, तुम्हारा उदय। तुम्हारी तबीयत खराब है ना? देखो मैं तुम्हारे लिए दवाइयाँ लाया हूँ, खा लो। दवाइयाँ?
दबाया किस लिए? मुझे मुझे क्या हुआ है? मैं बिल्कुल ठीक हूं। आप समझे? तुमने मारा ना मेरी दीदी को? और अब तो मुझे भी मार दोगे? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? ये क्या कह रही हो तुम? अरे मैं क्यों मारने लगा सानिया को? क्योंकि दीदी तुमसे नफरत करती थी। तुम प्लीज ये दवाइयां खा लो। उदय, उदय गेट आउट। मोनिका? उदय गेट आउट। मोना इधर देखो मोना। दीदी? हाँ मोना। मोना आओ। मोना तुम्हारी दीदी बहुत अकेली है मोना। हाँ मोना। मोना इधर आओ। दीदी? इधर आओ मोना। मोना आओ। आओ मोना। दीदी मेरी दीदी के पास आ जाओ मोना। मोना मैं बहुत अकेली हूँ। दीदी? दीदी? मोना। दीदी? दीदी कहाँ हैं आप? मोना इधर देखो मोना। दीदी? मोना। दीदी? मोना। क्या कर रही है? दीदी 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 मोनिका दीदी गुड जॉब। कैसी है? सर ये ठीक है। मोनिका? सीआईडी? मोनिका क्या हुआ? मोनिका को? इसकी तबीयत बहुत खराब है। मतलब? अभी थोड़ी देर पहले इसे एक टेम्पो उड़ाने वाला था। व्हाट? एक मिनट, तुम कहाँ थे? मैं डॉक्टर को फोन करने गया था, मुझे तो पता ही नहीं चला कि कब घर से बाहर चली गई। मोनिका उठो। मोनिका मोनिका मैं कहा आप लोग मुझे अंदर क्यों ले आए? सानिया दीदी, दीदी मेरा बाहर इंतजार कर रही है, मुझे उनके पास जाना है। क्या सानिया बाहर है? ये सानिया को ढूंढ क्यों रही है? देखो मोनिका, सानिया नहीं है, समझे तुम? नहीं दीदी, दीदी घर के बाहर है, मैं जा रही हूँ उनसे मिलने के लिए। मोनिका बंद करो अपने ये पागलपन। ये पागलपन नहीं है उदय, मैं दीदी को खुद ही देखा है। देखो मोनिका, सानिया नहीं है, दिखाई दे रही है तुम्हें कहीं? नहीं ना? अच्छा मोनिका एक बात बताओ, तुम मिस्टीरियस एनचांटेड या रियो नाम का परफ्यूम इस्तेमाल करती हो? रियो? हाँ रियो। ये परफ्यूम तो रिधिमा आंटी यूज करती हैं। रिधिमा? अच्छा सानिया की मौत के बाद रिधिमा के बिहेवियर में कुछ बदलाव देखा क्या तुमने? कुछ खास नहीं, लेकिन एक चीज मुझे अजीब सी लग रही है, रिधिमा आंटी के कपड़े। कपड़े? हाँ, वो पहले स्लीवलेस कपड़े पहना करती थी, बट आई डोंट नो व्हाई सानिया की मौत के बाद वो अचानक से फुल स्लीव्स कपड़े पहनने लगी। जरा इस रिधिमा आंटी को ब्यूरो में लेके आओ। देखिए, मैं आप लोगों को छोड़ूंगी नहीं, केस कर दूंगी आप लोगों पे। देखो हो अभिजीत, क्या किया तुमने? नहीं सर, अभिजीत ने सिर्फ इतना पूछा इनसे कि स्लीव्स ऊपर करो, तो ये और भी भड़क गई। बस इतनी सी बात? ओहो रिधिमा जी, स्लीव ऊपर करके बता ही देती। चलिए दिखाइए, स्लीव ऊपर कीजिए, देखें। मैं नहीं दिखा सकती। तो फिर सानिया को मारा क्यों? क्यों मारा? किसने कहा? उस बैग ने, उस खून से सने बैग में जिस परफ्यूम की खुशबू आई थी, वियो परफ्यूम की, वो आप लगाती है, तो क्या समझेंगे आप लोग? सानिया ने पैसे देने बंद कर दिए तो उसका खून कर दिया? हाँ लावण्या, इनकी बात देखो। नहीं नहीं, दिखाओ। नहीं मैं नहीं दिखा सकती। मैं मुझसे मत उलझो, समझी? स्लीप फाड़ के रख दूंगी मैं। क्या है ये? सर देखिए। ओहो रिधिमा जी, बताइए क्या हुआ था? कैसे मरी सानिया? कैसे मरी? मैंने सानिया को नहीं मारा, मैं तो बस उससे मिलने गई थी। आंटी आपको मालूम है कि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि कोई मुझे ये समझाए कि मुझे जिंदगी कैसे जीनी है। आप अपना लेक्चर देना मुझे बंद करें। मैं आपकी इज्जत करती हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरे पे हुक्म चलाती रहे। और रही बात मनु की, तो मैं उसकी बहन भी हूँ, उसकी माँ भी हूँ, उसकी सब कुछ हूँ। और मैं जानती हूँ
कि मैं क्या कर रही हूँ। सानिया, मैं भी अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम मोनिका से बहुत प्यार करती हो, लेकिन तुम उसे उसकी सगी माँ से अलग नहीं रख सकती हो। सगी माँ? माँ का मतलब भी जानती है वो औरत? 24 साल पहले जब मोनिका को छोड़ के गई थी तब उसे मोनिका से प्यार नहीं था और आज अचानक ममता जाग उठी। सानिया, तुम कभी कुछ नहीं समझती और ना समझना चाहती। मैं मोनिका को ये सच्चाई बताकर रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। नहीं आंटी। सानिया, सानिया छोड़ो मुझे। अगर मोनिका को कुछ भी पता चला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सानिया जैसी भी लड़की थी लेकिन वो मोनिका को बहुत प्यार करती थी। सानिया के माँ बाप बचपन में ही गुजर गए, शायद यही वजह थी कि वो मोनिका को किसी भी कीमत में खोना नहीं चाहती थी। सानिया मोनिका को उसकी माँ से दूर रखना चाहती थी, इसलिए कि मोनिका की माँ उसे वापस लेने के लिए आई थी। रिद्धिमा जी, क्या आपने मोनिका की माँ को देखा है कभी? नहीं। सब फोटो बन गई है सर। सर, ये जो आदमी रिफ्लेक्शन में है वो निहाल है। निहाल कहाँ है? निहाल, जल्दी बोलो कहाँ है निहाल? बोरा। ओह माय गॉड, ये लोग यहाँ कैसे आ गए? निहाल के घर की तलाशी लेते हैं। इतनी बदबू कहां से? कहां से? सर, इसके नाखूनों पे खून लगा हुआ है। और वे कभी निहाल कैसा है? सुबह अभी तक बेहोश है। सर, ये निहाल के फोटोग्राफ से, या यूं कहिए कि उसके गले के फोटोग्राफ से। अच्छा, इसके गले पे खरोच के निशान? इसके गले पे खरोच का निशान है और सानिया के नाखून पे खून लगा हुआ है। कहीं ये खून निहाल का तो नहीं? अभिजीत, निहाल का डीएनए और सानिया के नाखून में जो खून मिला हुआ है, मैच करके देखो, पता चलेगा ये खून निहाल का है या नहीं। और सर, इस जगह की भी तलाशी लेते हैं, जरूर कुछ ना कुछ मिलेगा। देखो, सानिया का पर्स है, वो भी दो। सानिया का पर्स निहाल के घर में? हाँ, सानिया के घर वाले कह रहे थे कि उसके पास सिर्फ एक सिल्वर पर्स है, यहाँ तो दो दो पर्स है सर, वो भी बिल्कुल एक जैसे। और सर ये देखिए, इसमें ये खून भी लगा हुआ है। ये पर्स तो फटा हुआ है। सर, सानिया के घर वालों ने कहा था ना कि सानिया अपने पर्स में कोई खास चीज छुपा के रखी थी,
हो सकता है उसको निकालने के लिए फाड़ दिया गया हो। You're right, अभिजीत। सर, ये पर्स अगर सानिया का है तो फिर ये दूसरा पर्स किसका है जिसपे खून लगा है? इस पर्स पे लिखा है 1-5 और इसमें भी है 1-3-8। सर ये सफारी डे के डिजाइनर पर्स हैं और काफी महंगे भी। तो फिर और भी आसान है इस पर्स के बारे में पता लगाना। बैग है आपके पास? सर ये सफारी डी का प्लैटिनम बैग है और इसे मैंने दो लोगों को बेचा था सर। किस किस को बेचा है? एक सानिया मैडम थी सर जिनका कुछ दिनों पहले देहांत हो गया। और दूसरा बैग? और दूसरा बेचा था मैंने सर, हाँ एक औरत आई थी सर, वो सानिया मैडम के बैग की फोटो लेके आई थी और उसने कहा कि मुझे हूबहू यही बैग चाहिए। कब आई थी वो? कुछ 2 हफ्ते पहले सर। 2 हफ्ते पहले? अच्छा ये बताओ कि उसने ये बैग कैसे खरीदा था, मतलब कैश देके खरीदा था या क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल किया था? कैश दिया सर, कैश। अब आपको उस लड़की का होलिया याद है? वो दिखती कैसी थी, उसने क्या पहना था या और कुछ? हाँ सर, उसने अपने सर पे एक स्कार्फ बांधा हुआ था सर और बड़े से सनग्लासेस पहने हुए थे। और हाँ सर, उसने अपनी उंगली में डायमंड रिंग भी पहना था सर। जब उसने बैग का ऑर्डर दिया था तो उसने कुछ तो बताया होगा अपने बारे में, अपना एड्रेस या कोई टेलीफोन नंबर? हाँ सर, आइए मेरे साथ। हाँ ये देखिए। तो ये बैग मोनिका ने ऑर्डर किया था। विवेक ये जरा टेलीफोन नंबर डायल करना। सर ये टेलीफोन नंबर तो सानिया के ऑफिस का टेलीफोन नंबर है। मोनिका ने सानिया का नंबर क्यों दिया था? यार ये नंबर का क्या चक्कर है? 1-5-1-3-8 ये क्या है? मैं बताता हूँ, ये बैग के सीरियल नंबर है क्योंकि ये बैग बहुत ही लिमिटेड एडिशन में मार्केट में है, इसलिए हर बैग को एक सीरियल नंबर दिया गया है। जैसे सानिया मैडम के बैग का नंबर है 125 और मोनिका मैडम के बैग का नंबर है 138। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? सानिया के बैग का नंबर तो बड़ी अजीब बात, पर्स मोनिका ने खरीदा और नंबर सानिया का दिया। और सर जब वो लड़की पर्स खरीदने आई थी तब उसने बड़ा सा गॉगल पहना हुआ था और उंगली में डायमंड की एक बड़ी अंगूठी। डायमंड की बड़ी अंगूठी? तो फिर ये मोनिका ही हो सकती है क्योंकि मोनिका डायमंड की अंगूठी पहनती है। मगर सर एक फर्क है, मैंने सेल्समैन को बुला के बात की तो उसने बताया जो लड़की पर्स खरीदने आई थी उसकी अंगूठी उंगली में थोड़ी लूज थी सर, वो अंगूठी को बार बार घुमा रही थी और मोनिका की उंगली पे जो अंगूठी है वो टाइट है, तो लगता है कि शायद ये काम मोनिका ने नहीं किया है, कोई और है जो इसे फंसा रहा है। मगर ये सानिया जैसा दूसरा पर्स उसने खरीदा क्यों होगा? वो इसलिए अभिजीत कि वो पर्स सानिया के पर्स के साथ बदला जाए और सानिया के पर्स में जो खास चीज छुपा के रखी है उसे निकाल लिया जाए। पर कौन कर सकता है ये कोई है जो मोनिका को अच्छी तरह से जानता है और जिसके पास सानिया के ऑफिस का नंबर भी है? राइट। सरितिमा के अलावा मोनिका और सानिया को कौन अच्छी तरह से जानता है? सर वो लड़की, ओ वो लड़की। दीदी मोनिका पागल बन, छोड़ो सानिया मर चुकी है। मोनिका नहीं उदय, दीदी मुझसे बहुत प्यार करती है। मोनिका संभालो अपने आप को। छोड़ो उदय। उदय मनु, हम
दीदी के पास आ जाओ। दीदी 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 आओ दीदी मनु तुम्हारा रे दीदी बहुत बात कर रही है। हाँ दीदी मैं आ रही हूँ। मनु आओ मोनिका से दूर रहने के लिए कह रही थी। बाद में मुझे समझ में आया कि सानिया मोनिका की असली माँ से बात कर रही थी, जिसे उसने अपने पनवेल वाले फार्म हाउस में छुपा के रखा था। और उस फार्म हाउस की चाबी सानिया के पर्स में थी। मगर सानिया का फोन क्यों किया? हैं? उस रात मैं निहाल को सानिया के घर लेकर गई थी। हमने उसे कहा कि अगर वो चाहती है कि हम अपना मुंह बंद रखें तो उसे उसकी कीमत देनी होगी। लेकिन उसे गुस्सा आ गया और हमें धमकी देने लगी। और फिर तुम दोनों ने मिलकर सानिया का खून कर दिया। हाँ नहीं नहीं, निहाल ने सानिया का खून किया है। मेरी माँ कहाँ है? वो तो अभी भी पनवेल वाले फार्म हाउस में है। उसे ड्रग्स दी गई हैं ताकि वो उठ ना सके। सानिया दीदी को ये सब करने की क्या जरूरत थी? मैं उनके लिए सब कुछ छोड़ सकती थी। पूर्वा, अब तुम जेल में ऐसी जिंदगी बिताओगी जो तुमने सपने में भी कभी सोचा नहीं था। और निहाल, उसकी तो बात पूछो ही मत, उसे शायद फांसी होगी।